उसमें एक प्रतिवेदन मांगा गया है जो ऑब्जर्वेशन होम के जो इंचार्ज हैं उनसे, और क्योंकि फरार होने की बात सामने आ रही है जिसमें से एक बार में पकड़ा गया वापस, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो है उन बच्चों से कोई ऐसा कार्य कराया जा रहा था जो कि उस कंपाउंड के बाहर कोई कार्य कराया जा रहा था। तो ये मामला काफ़ी जो है सीरियस है, और इस तरह का अगर प्रशासनिक तौर पे कोई लापरवाही के कारण ये घटना हुई है तो जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। और हम लोग देख रहे हैं इसमें जो है कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है उस तरह की सख्ती हम लोग वहाँ पे नहीं बरतते, बट ये है कि फरार होने के लिए जो भी इसमें गुनहगार दोषी है, जो भी लापरवाह है, उस पर जरूर कार्रवाई।